हेलो एवरीवन, आई एम सी पद्मा जैन। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे से क्वेरी पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा आप सबको भी मैं बता दूं। एक्चुअली अभी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 17 आया, 2017 अमेंडमेंट एक्ट आया ना, कंपनीज एक्ट, तो उसका नाम रखा उन्होंने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, राइट। तो अब बच्चे का ये क्वेरी है कि मैम, मैं एग्जाम में 2013 लिखूंगा, 2015 लिखूंगा या 2017 लिखूंगा। अब जो एग्जाम आएंगे या कभी भी एग्जाम आएंगे, राधर ये हमेशा के लिए रूल बता रही हूँ। तो एक अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया, फिर 17 में आया, और जो एक्ट आया वो 2013 में आया, जो धीरे धीरे एप्लीकेबल हुआ। तो बच्चे, आपका जो 2015 में अमेंडमेंट आया है, या समय समय पे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स या नोटिफिकेशन आते रहते हैं, 2017 एक्ट आया अमेंडमेंट का, तो वो तो अमेंडमेंट एक्ट है ना। तो अमेंडमेंट एक्ट का अपने सेक्शंस होते हैं कि उसके सेक्शन 1 में, पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 1 में जो प्रिंसिपल एक्ट है उसके इस सेक्शन में ये वाला चेंज आ रहा है ना। इसका मतलब है जो आपका प्रिंसिपल एक्ट है वो 2013 एक्ट है। इसका मतलब है अमेंडमेंट्स आते रहते हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्ट उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं हम, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्ट ही रहता है। यू अंडरस्टैंड? इसलिए आपके एग्जाम में कभी भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड एनी लेवल, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, कोई भी एग्जाम, तो आपको हमेशा अगर रेफरेंस देना है तो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ओके, उसमें जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो अमेंडमेंट के बाद वो उस प्रिंसिपल एक्ट का पार्ट हो गया, बस अब वो प्रिंसिपल एक्ट ही लागू है, वही लागू रहेगा हमेशा। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी जो मुझे देनी थी। बाकी अगर कभी भी कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, ऑलवेज वेलकम। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9910971193। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। May God bless all of you. Bye-bye.